प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं में अवकाश के संबंध में एक आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि किन परिस्थिति में और किसके द्वारा शालाओं में अवकाश घोषित किया जा सकता है। जैसे हम आदेश का विषय देखें तो इसमें बताया गया कि स्थानीय परिस्थिति, शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल में शाला समय परिवर्तन बाबत, और इसमें संदर्भ दिया गया है विभागीय सम संख्यक आदेश दिनांक 30/11/2022 का। और जो आदेश है, जो संदर्भ में दिया गया है, इस आदेश में बताया गया था कि यदि किसी जिले में, प्रदेश के किसी जिले में सामान्य से कम तापमान यदि होता है तो जिला कलेक्टर के द्वारा शालाओं का जो समय है संचालन होने का, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब इसमें कुछ संशोधन किया गया है। जैसे हम आदेश देखें तो इसमें बताया गया कि विभिन्न जिलों से स्कूलों के समय एवं समय अवधि परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतत् द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न अनुसार दिशा निर्देश प्रसारित करता है। जो संदर्भित आदेश है, इसमें कुछ आंशिक संशोधन हुए हैं जो कि निम्न प्रकार से है। जैसे हम देखें, इसका पहला बिंदु, शीतलहर अथवा सामान्य से कम तापमान को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर स्कूलों के समय को परिवर्तित कर सकेंगे, स्कूल की समय अवधि में कम से कम परिवर्तन करेंगे। दूसरा बिंदु इसमें दिया गया कि राज्य स्तर से निर्धारित विभिन्न परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित होंगी, क्योंकि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, तो वो निर्धारित समय में आयोजित होंगे। तीसरा बिंदु इसमें दिया गया कि शीतकाल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से लगातार कम होने की संभावना पर प्री प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं बंद करने के संबंध में जिला कलेक्टर निर्णय ले सकेंगे। तो जो प्री प्राइमरी कक्षा है, इससे लेकर कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं बंद करने के जो आदेश हैं, वो जिला कलेक्टर के द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से लगातार कम होने की यदि संभावना है तब। तो इस प्रकार से जिला कलेक्टर के द्वारा ही संबंधित जिलों में अवकाश घोषित किया जा सकता है यदि तापमान लगातार 5 डिग्री, जो सामान्य तापमान है, इससे कम होता है जिलों में तब। एथी शीतलहर में शालाओं के समय परिवर्तन या फिर अवकाश के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।